हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के टेक्नीशियन वी फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीमा स्नैप गेज का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यू आकार का होता है। यानी कि जो सीमा स्नैप गेज होता है वो यू आकार का होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये सीमा स्नैप गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि शाफ्ट के व्यास की जाँच में भी स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग उत्पादन की बाहरी मापन अर्थात लंबाई चौड़ाई आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोफाइल गेज चेक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेल तथा फीमेल को चेक करता है। यानी कि जो प्रोफाइल गेज होता है वो किसको चेक करता है, तो मेल तथा फीमेल को चेक करता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये प्रोफाइल गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग किसी जॉब की बाहरी या अंदरूनी प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो प्रोफाइल गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गेज का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जांच करना, ना कि मापना। अधिकांश एग्जाम्स में ऐसे पूछा था कि गेज का कार्य क्या है, और ऑप्शंस में मापना देकर कंफ्यूज कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जांचना, यानी कि जो गेज होता है उसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है जाँचना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रोमियम स्टील के। यानी कि जो स्लिप गेज होता है वो क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये स्लिप गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका दूसरा नाम गेज ब्लॉक है। यानी कि जो स्लिप गेज है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, स्लिप गेजों की जो हार्डनेस है वो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। और HRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रॉक व्हील हार्डनेस होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बढ़ा सकते हैं। यानी कि गेज के ऊपर अगर हम टंगस्टन कार्बाइड का लेप मतलब लगाते हैं, तो क्या होता है, तो उसका जो गति है वो बढ़ जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो WC होता है, यानी कैपिटल W और कैपिटल C होता है। किसका? तो टंगस्टन कार्बाइड का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल का घनत्व है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1000 kg/m³, यही जल का घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, BIS के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उनमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 112 पीसेस होते हैं। यानी कि BIS के द्वारा स्लिप गेज का एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उनमें निम्न संख्या में गेज के पीस कितने होते हैं, तो 112 होते हैं। ये जो फिगर देख रही है, किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये स्लिप गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो जैसे कि स्लिप गेज का आविष्कार जॉनसन ने की, अतः इसे जॉनसन गेज के नाम से भी
जाना जाता है। यानी जो स्लिप गेज है उसका आविष्कार जॉनसन ने किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर जॉनसन गेज रखा गया है, स्लिप गेज का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे गेज ब्लॉक यानी कि गेज ब्लॉक नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो स्लिप गेज है इसको जॉनसन गेज भी कहा जाता है, नेक्स्ट इसे गेज ब्लॉक भी कहा जाता है, यानी ये दोनों जो नाम है ये स्लिप गेज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेड 0, यानी कि इंस्पेक्शन कार्यों के लिए ग्रेड 0 का प्रयोग होगा। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज बना होता है। अब देख लेते हैं किस किस चीज़ से स्लिप गेज बना होता है। तो क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है, नेक्स्ट टंगस्टन कार्बाइड का भी बना हुआ होता है, यानी कि जो स्लिप गेज है ये दोनों का बना हुआ होता है। अब देख लेते हैं स्लिप गेज का प्रकार, यानी कि स्लिप गेज कौन कौन से प्रकार, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे स्लिप गेज जो है वो तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है वर्किंग गेज सेट, एक होता है इंस्पेक्शन गेज सेट, एक होता है मास्टर गेज सेट, यानी जो स्लिप गेज है इसके तीन प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रिंच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चेन रिंच, यानी कि बड़े व्यासों के पाइप को फेरने के लिए जिस रिंच का प्रयोग किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा रिंच है, तो वो है चेन रिंच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी बोथ। अब कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। तो जो मास्टर गेज है उसे रेफरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है, और उसे कंट्रोल गेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो मास्टर गेज को, और ये जो मास्टर गेज, इसी का ये दोनों अन्य नाम है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि मास्टर गेज की जो परिशुद्धता है वो कितनी है, तो 0.0001 mm है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो मास्टर गेज का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हैमर के स्ट्रोकिंग फेस की हार्डनेस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 49 से 56 HRC होती है। किसकी? तो हैमर के स्ट्रोकिंग फेस की हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बेंच वाइस के जॉब प्लेटें किस धातु की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल स्टील की बनी होती है, यानी कि जो बेंच वाइस होता है इसकी जो जॉब प्लेटें होती हैं वो टूल स्टील की बनी होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसको पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। किसको? तो बेंच वाइस को। अगला पॉइंट क्या है? तो इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। किसको? किसका साइज? तो बेंच वाइस की साइज, यानी कि बेंच वाइस का जो साइज है ये जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जो स्लेज हैमर होता है, इसका जो हैंडल की जो लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमर से भारी होते हैं। नेक्स्ट, इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। किसका? तो स्लेज हैमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चोकिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना, इसी को चोकिंग कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा माप लिया जाता है गेजों के द्वारा। तो पहला है थ्रेड की पीच की जो माप है वो लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो किसी छिद्र का व्यास भी लिया जाता है। नेक्स्ट किसी छेद की चौड़ाई भी लिया जाता है, यानी कि जो तीनों जो दिया गया है ये गेजों के द्वारा माप लिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गेज एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट वर्कशॉप में जो है गेज को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, नापने के लिए नहीं किया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो अधिक गहराई पर माप लेने के लिए। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है और पार्ट्स के बारे में भी बताया गया है। अक्सर एग्जाम्स में फिगर देकर उसके पार्ट्स के नाम को भी पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक क्या घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसकी लंबाई घटती है, यानी कि गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविक लंबाई जो है वो घटती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गेज का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गेजिंग सतहों के चिकनाई हटाने के लिए किसमें धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में धोना चाहिए। यानी कि गेजिंग सतहों से जो चिकनाई है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसे धोते हैं, यानी कि उसे धोना चाहिए। किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन जो टेट्राक्लोराइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक जो सूत्र होता है वो कितना होता है, तो CCl4 होता है, यानी कि CCl4 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामकों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शुद्धता सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मास्टर गेज की शुद्धता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसे कंट्रोल गेज भी कहा जाता है, यानी कि जो मास्टर गेज है इसका एक और नाम क्या है, तो इसे कंट्रोल गेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पीच कटे रहते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्क्रू पीच गेज कहते हैं। यानी कि एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पीच कटे होते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसको स्क्रू पीच गेज कहते हैं। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये स्क्रू पीच गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्क्रू पीच गेज को थ्रेड पीच गेज भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक ब्लेड पर चूड़ी की पीच अंकित होती है, किसमें, तो स्क्रू पीच गेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेट स्क्रू, यानी जो सेट स्क्रू होता है इसमें हेड नहीं होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ये स्क्रू हेड और बिना हेड दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस स्क्रू के हेड नहीं होते उसे क्या, उसे ग्रूव स्क्रू
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थाई रूप से किया जाता है, यानी कि जो शोल्डर स्क्रू जो होता है इसका प्रयोग अस्थाई रूप से किया जाता है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इस स्क्रू की बॉडी प्लेन होती है, अर्थात गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेक्सागोनल नट, यानी कि जो हेक्सागोनल नट होता है उसके लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसको खोलने व कसने के लिए स्पेनर का उपयोग किया जाता है। किसको? तो हेक्सागोनल नट को, जो हेक्सागोनल नट होता है उसको खोलने और कसने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्पेनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग साधारण तो सबसे अधिक होता है। किसका? तो हेक्सागोनल नट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पिच डायमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चूड़ी के पिच का आधा होता है, यानी कि जो पिच डायमीटर जो होता है वो चूड़ी के पिच का आधा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंच वाइस को, यानी कि बेंच जो वाइस होता है इसे पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये फिगर दिया गया है बेंच वाइस का फिगर दिया गया है। इसके पार्ट्स का नाम भी यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे अच्छे से देख लें। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्रायः 75 से 150 mm तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, यानी जो हैमर होता है वो प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया, तो ये हैमर का फिगर दिया गया और उसके पार्ट्स का नाम भी दिया गया है। अब इसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं। अब इसके पार्ट्स के नाम के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पैन, फेस, आई होल, हेड, हैंडल, वेज, ये जो दिए गए हैं ये क्या है, तो ये हैमर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन, यानी कि जो बेंच वाइस होता है इसका जो बॉक्स नट होता है वो कास्ट आयरन का होता है। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। किसका? तो बेंच वाइस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा नट लॉकिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो विंग नट होता है वो लॉकिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बटरेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बटरेस थ्रेड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं ये जो बटरेस जो थ्रेड है वो दो प्रकार कौन कौन से, इसके नाम क्या क्या है, यानी जो बटरेस जो थ्रेड है ये दो प्रकार का होते हैं और उसके नाम के बारे में भी देख लेते हैं। तो एक है लीड स्क्रू और एक है हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बटरेस थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रीच लॉक थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो बटरेस थ्रेड को।
और ये जो बटरेस तो थ्रेड होता है, ये कौन कौन सा कौन इसका कौन 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 सा होता है, तो 90° कौन का भी कौन होता है, 85 का भी होता है, 45 का भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एकमी थ्रेड किस आकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि समलंब आकार का होता है। कौन? तो एकमी थ्रेड। और एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो इसका एंगल होता है 29° होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी में। अब कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं, तो जो एकमी थ्रेड है इसका प्रयोग खराद में भी होता है, नेक्स्ट बेंच वाइस में भी इसका प्रयोग होता है, नेक्स्ट बेंडिंग मशीन में भी इसका प्रयोग होता है, यानी इन तीनों में एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैप गेज। यानी कि जो गैप गेज है वो दो गेजों का सम्मिलित रूप है। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये गैप गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब की साइज की जाँच करने के लिए किया जाता है। किसका? तो गैप गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेडियस गेज। यानी जो फिलेट जो गेज है इसे रेडियस गेज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये रेडियस गेज यानी कि फिलेट गेज, यानी कि जो ये जो फिगर जो दिया गया है ये फिलेट या रेडियस गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि किसी जॉब पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, डाइंग एक ऑपरेशन है जो क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोल छड़ या बोल्ट के बाह्य चूड़ी को काटना, यही इसका ऑपरेशन है। किसका? तो डाइंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो चिपिंग और रिवेटिंग के लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.1 kg से 0.9 kg तक पाए जाते हैं। जो बॉल पेन हैमर जो होता है उसका वज़न जो होता है वो 0.1 kg से 0.9 kg तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नलिये बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो सीट के जॉब में नलिये बनाने के लिए स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस हैमर का फेस जो होता है वो क्या होता है? तो चपटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टिक हैमर। यानी कि जो प्लास्टिक हैमर होता है इसका जो बॉडी होता है वो स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो हल्के कार्यों के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार के हैमर की बॉडी जो है वो प्रायः स्टील की बनी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।